नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विधानसभा में उन्हें याद किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत समेत अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर विधानसभा में उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत विधानसभा के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने पंडित नेहरू को याद किया। अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पंडित नेहरू ने साहस के साथ भारत को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने साहस के साथ भारत को मजबूत करने की दिशा में, यहाँ की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सब को देखते हुए जो उन्होंने प्रयास किए, जो उन्होंने साहसिक कदम उठाए, जिसके चलते ही आज भारत इस स्थिति में पहुंचा है, हम उनको नमन करते हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत आज उनको याद करता है। उनका जो पंचशील का सिद्धांत है, उसने हमारे अनेकों देशों को एकता, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य स्थापना करने में जो मदद की है, उन सभी स्मृतियों को हम नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए चुनाव समिति की बैठक की। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर नामों पर चर्चा की गई। समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों को हाई कमांड के पास भेज दिया गया है। एक दो दिन में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की। बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर नामों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि समिति के द्वारा अनुशंसा किए गए नामों की सूची हाईकमान को भेज दी गई है, जिस पर एक दो दिन में मुहर लग जाएगी। मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पर चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ एक दो दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोश्री जी वहाँ संगठन के तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पर कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों के दोनों बनाएंगे। आदिवासियों के आरक्षण संबंधी चर्चा करने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 1 और 2 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में जो संकल्प आएगा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती पर चर्चा करने के लिए आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने बताया कि क्या चर्चा की जाएगी वह अप्राप्त है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी संकल्प आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। 1 और 2 दिसंबर को बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निवेदन किया था। क्या उसमें चर्चा होगी ये तो अभी पूर्ण नहीं आया है, मगर ऐसा माना जाता है कि जो माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री से कहा था या उनको निर्देश दिए थे, और जिस ढंग से वातावरण है कि आदिवासियों के जो आरक्षण में कटौती हुई है उसको देखते हुए पूरा छत्तीसगढ़ फिलहाल बहुत चर्चा में है और आदिवासी लोगों में थोड़ा सा संकट की स्थिति बन चुकी है। उसी विषय पर चर्चा होगी ऐसा हम लोग मानते हैं। बाकी जो संकल्प सरकार की ओर से आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। राजधानी रायपुर के गुड़िहारी स्थित दही हांडी मैदान में हुए शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मैदान में सांप देखे जाने से कौतूहल की स्थिति निर्मित हो गई। जन समूह में यही चर्चा रही कि वह सांप वहां आया कैसे और इतनी भीड़ में वह सुरक्षित कैसे रहा।
राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी मैदान में संपन्न हुए शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन सांप देखे जाने से अलग अलग चर्चाएं सुनने को मिली। उपस्थित जनसमूह ने सांप को जाने का रास्ता दिया और भगवान शिव के प्रकट होने की बात कही। आखिर वह सांप वहां आया कैसे और इतनी भीड़ में वह सुरक्षित कैसे रहा, यह सोचने वाली बात है। शिव महापुराण कथा में भगवान शिव के गले में विराजमान रहने वाले सर्प के आ जाने से कथा स्थल में कौतूहल की स्थिति निर्मित हो गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित करने में और देश के विकास का मॉडल तैयार करने में पंडित नेहरू ने अपनी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उनकी जयंती पर कहा कि नेहरू जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित करने देश के विकास का मॉडल तैयार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में स्थापित कल कारखाने पंडित नेहरू की ही देन हैं। भारत के विकास की नींव रखने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो बिरले ही नेताओं की रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने माना SOS बालिका गृह की जांच कराए जाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पत्र भी लिखा है। पत्र में पिछले वर्ष हुए दुष्कर्म की शिकार बालिका का भी जिक्र किया गया, जिसे अभी तक न्याय नहीं मिलने की बात उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर रायपुर के माना स्थित SOS बालिका गृह की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में पिछले वर्ष दुष्कर्म का शिकार हुई बालिका का भी जिक्र किया है, जिसे अभी तक न्याय नहीं मिलने की बात भी उन्होंने कही। मैं बात कर रहा हूं माना के SOS गृह में रहने वाली बालिका से हुए अनाचार की। उसके साथ पिछले वर्ष जनवरी से मई के मध्य अनाचार होता है और 5 माह बाद जब उसे गर्भ ठहर जाता है, 5 माह का गर्भ होने के बाद नवंबर में FIR दर्ज होती है और बालिका के बयान पे एक आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डाल देती है। कालांतर में जब बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चा उसमें मृत्यु हो जाती है, उस बच्चे के DNA से जेल में बंद आरोपी का DNA मैच नहीं खा रहा है। ये अपने आप में साफ बताता है कि उस बच्ची के साथ एक से अधिक लोगों ने अनाचार किया है, मतलब ये सामूहिक दुराचार का मामला है। लेकिन इस बारे में पुलिस, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है, ना मालूम उसे किसे बचा रही है। यहाँ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी कहती है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, इसमें बहुत गंभीर प्रश्न ये है कि जिस SOS बालिका गृह में किसी पुरुष का जाना वर्जित है, वहाँ एक से अधिक लोग उस बालिका से अनाचार करते हैं। जब बयान लेने की बात आती है तो संस्था द्वारा सारे कर्मचारियों का बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कानून के साथ सीधा खिलवाड़। पास्को एक्ट कहता है कि आरोपी के साथ साथ जो इस मामले को दबा कर रखे या आरोपियों को संरक्षण दे, उनके ऊपर भी पास्को एक्ट लागू होना चाहिए। एक और गंभीर मामला, उस बालिका को आज तक उसी SOS गृह में रखा गया है तो वो निष्पक्ष बयान कैसे देगी? उसे दबावपूर्ण ढंग से रखा गया होगा, ये निश्चय है। उससे भी गंभीर एक और मामला कहता हूं, उस बालिका गृह में अभी भी 50-60 के आसपास बालिका है, उसकी सुरक्षा को लेकर अभी तक किसी ने कोई चिंता नहीं की है। मैंने इस बारे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शिकायत की है और उनसे जांच की मांग की है कि जल्दी से जल्दी वे छत्तीसगढ़ आकर उस बालिका गृह की जांच करें, उस बालिका को न्याय दिलाएं। और बाल दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा के DAV स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत इस प्रदर्शनी को देखने स्कूल के बच्चों समेत उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि आज के दिन के लिए बच्चों को वर्ष भर इंतजार रहता है। बाल दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा के DAV स्कूल में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत बच्चों ने मॉडलों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
14 नवंबर को प्रतिवर्ष स्कूल में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्राचार्य अशित वरन बोस ने कहा कि बच्चों को आज के दिन का वर्ष भर से इंतजार रहता है। स्कूल की सहायक प्रधान पाठक अंजना राठौर ने कहा कि बच्चों ने आज अपनी अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। And it is a matter of pride that our students came forward with a very good and innovative models. And the theme of our science exhibition was on sustainable development, which is the need of the time. So I am very amazed to see all the models, whatever they have created, and it is up to beyond our expectation. And the program which our children have performed this day, I would like to thank all our teachers and our staffs who have contributed directly or indirectly and made this program a huge success. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द किए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रेनें रद्द होने से राष्ट्रीय क्षति के साथ लोगों पर आर्थिक भार भी पड़ता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षति के साथ लोगों पर आर्थिक भार भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्री ट्रेनों के संचालन को बहाल करने उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से पत्र व्यवहार भी किया है। तो लगातार मैं तो उस समय रेल मंत्री से बात किया, पत्र भी लिखा, और इससे जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसकी यातायात के सबसे सस्ता साधन है और उसको बंद कर दिए तो ये तो बड़ा नुकसान है। इसको तो इसके साथ मतलब ट्रेन तो रद्द नहीं होना चाहिए। आखिर में यदि ट्रेनें रद्द होगी तो जो बोगियाँ हैं वो रखे रखे ख़राब होती हैं, जब चलते रहता है तो उसके रिपेयरिंग भी होते रहता है, संधारण भी होता है, धुलाई पोछाई भी होता है, खड़े रहे तो खराब ही होगा। तो एक तो राष्ट्रीय क्षति ये है, दूसरे लोगों को आर्थिक भार भी पड़ता है। नागपुर के कलमाना थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पिता ने अपने ससुराल पक्ष को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी को आत्महत्या का नाटक करने के लिए उकसाया। इसी दौरान पिता ने ही उसे मौत के मुँह में धकेल दिया। नागपुर के कलमाना थाना क्षेत्र में हत्या का एक अजीब मामला सामने आया, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी छोटूलाल रजक ने अपनी ही बेटी से कहा कि वह अपने ससुराल वालों को फंसाने का प्लान बना रहा है, जिसमें उनकी बेटी को फांसी लगाने का नाटक करना होगा। लेकिन पुलिस की जांच और आरोपी के मोबाइल की रिकवरी से मामला हत्या का प्रतीत हुआ। कलमना थाना प्रभारी विनोद भालेवार पाटिल ने बताया कि आरोपी ने ही बेटी को आत्महत्या के नाटक के लिए उकसाया और ऐन वक्त पर स्टूल को गिरा दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गुड्डू रजक नाम का आदमी रहता था, उनके साथ उनकी दो लड़कियां और एक लड़का था, और उनकी पहली बेबी ने सुसाइड किया था 2016 में। 18 से कौशल पेपड़े नाम की लेडी उनके साथ रहती थी, उनको भी वो प्रताड़ित करता था, इसलिए वो बार बार मायके में चली जाती थी। अपनी सेकंड बीबी और उनके फैमिली वाले भाई बाप उनको फंसाने के लिए उसने एक साजिश रची, वो साजिश में उसने उनकी लड़की का बलि दिया। कौशल बार बार मायके में चली जाती है, इसलिए उनको दिखाने के लिए अपन फोटो बनाएंगे कि तू सुसाइड कर रही, ऐसे करके उसने अपनी 16 साल की लड़की इनको स्टूल पे चढ़ाया। स्टूल पे चढ़ा कर उसने खुद सीलिंग को दोरी लटकाई, फांस बनाया और बोला कि तू ऐसे हालत में फोटो का कि जीभ बाहर निकाल, गले में फांस डाल, पैसा फांस डाला। यानी जब वो खड़ी रही, फांस डाला, तब उसने जो स्टूल पे वो लड़की खड़ी थी उस स्टूल को हाथ और पैर मार कर स्टूल अलग कर दिया, लड़की नीचे गिर गई और उनको फांस लग गया। ऐसा मुझे बनाव लड़की को बताना कि मैं बनाव कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में उनको लड़की को जान उनकी जान लेनी थी, ऐसा उसने बनाव किया और अपनी लड़की की जान लिया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News24 YouTube चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।